दोस्तों, आज हम आपको अकबर जोधा के सपनों का नगर फतेहपुर सीकरी की सैर कराते हैं। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। आगरा से इसकी दूरी महज 38 किलोमीटर दूर है। आप कभी भी फतेहपुर सीकरी आइए तो सबसे पहले आपको यहाँ नॉर्मल टिकट 35 रुपए के से शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे सबसे पहले आप आएंगे तो आपका सामना दीवाने आम से होगा, जहाँ अकबर आम लोगों की फरियाद सुनता था। ये सामने की जो बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ से वो बैठकर आम लोगों की जन सुनवाई पोर्टल था, एक तरह से देखा जाए। यहाँ पे लोग निराश होकर नहीं जाया करते थे। ये सामने की कितनी सुंदर बिल्डिंग जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित की गई है। वास्तव में अकबर एक महान सम्राट के साथ साथ एक महान कला प्रेमी थे था। आपको खूब अच्छी तरह से पता है कि जैसे उस काल में दीवाने आम था लोगों को सुनने के लिए, उसी तरह कुछ बिल्डिंग के दीवारें खास भी हुआ करते थे। उस काल में ये जो सामने की बिल्डिंग दिख रही है, ये दीवाने खास के आसपास की एरिया है। उस जमाने के जो सम्राट थे वो अपने समय के महान कला प्रेमी भी थे। अकबर ने विशेषकर फतेहपुर सीकरी का निर्माण अपने विशेष सलाहकारों के विचार विमर्श से किया। ये सामने की बिल्डिंग दीवाने खास है, जहाँ पे एक तरह से देखा जाए वह अपने नवरत्नों के साथ, अपने स्पेशल दरबारियों के साथ गुप्त मंत्रा या मीटिंग कराया करता था। साथ ही साथ इसके आसपास की जो एक तरह से देखा जाए विशेष शाही कोष भी था। ये सामने की बिल्डिंग शाही कोष की बिल्डिंग है, जहाँ पे खजाना भी रखा जाता था। कहते हैं कि अकबर के समय में, आपको पता है, नवरत्नों का एक विशेषज्ञ मंडल था। ये दीवाने खास के अंदर की वास्तुकला है, जो कि हिंदू मुस्लिम पारस फारसी वास्तुकला का मिश्रण है। ये देखकर पता चलता है कि किस प्रकार की वहाँ पे वास्तुकला थी। ये सामने की बिल्डिंग पंचमहल के नाम से जानी जाती है। फतेहपुर सीकरी में इसे हवा महल भी कहा गया, क्योंकि कहा जाता है कि जो सम्राट थे वो अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी त्रिपत्नी जोधा भाई के साथ वो यहाँ इंजॉय करता था और तमाम अपने एरिया का मुआयना भी यहाँ से कर लिया करता था। आप देखिए, सारे लाल बलुआ पत्थर की ये इमारतें याद दिलाती हैं उस समय की, जब 1571 से 1585 लगभग 16 साल तक यह इमारत अकबर के समय में वहाँ की राजधानी भी रही। बाद में कहते हैं कि ये सामने की जो बिल्डिंग्स है, जोधा भाई का महल है, उसकी प्रीपत्नी जोधा भाई, जिससे उसके प्रीपुत्र सलीम का जन्म हुआ, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से भारत का सम्राट बना। इन बिल्डिंगों को देखकर यही लगता है कि अकबर भी अपने समकक्ष लोगों के समय का जो ये शासक था, वो हिंदुओं में भी उतना ही प्रिय था जितना कि मुसलमानों में। अकबर को कुछ लोग राष्ट्रीय शासक बोलते हैं, जो कि यहाँ के जितने भी धर्म थे या जितने भी अनुयायी थे, सबको मिलाकर चलने वाला था। ये बुलंद दरवाज़ा है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा माना जाता है। अकबर ने इसे अपने गुजरात विजय की जीत के उपलक्ष्य में यादगार के रूप में बनवाया था। ये सामने की जो बिल्डिंग है, यह सलीम चिश्ती की दरगाह है, जो एकमात्र ऐसी बिल्डिंग है जो संगमरमर की बनी है। अकबर ने यह बिल्डिंग अपने गुरु सलीम चिश्ती की याद में बनवाया था, जब उसे पुत्र। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अकबर अपने समय का महान कला प्रेमी था, साथ ही साथ हिंदू रानी जोधाबाई को बहुत प्रेम करने वाला था। बाद में चलकर
सलीम जो उसका पुत्र पैदा हुआ फतेहपुर सीकरी में, वही बात पर जहांगीर के रूप में आगे चलकर राजा हुआ। अकबर ने भारत को बहुत कुछ दिया और भारत को ही अपना देश मान लिया। ये सामने सफ़ेद संगमरमर की बिल्डिंग याद दिलाती है कि वह भारत की सूफियों का भी बहुत सम्मान किया, यहाँ के हिंदुओं का भी बहुत सम्मान किया। वह एक धर्म भी जलाया इलाही दर्ब, लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं सका। अकबर ने रहीम पैदा किए, अकबर ने तानसेन पैदा किए, अकबर ने बीरबल पैदा किए। अकबर हर कला प्रेमी, हर उस्ताद, हर हुनरबाज का सम्मान करने वाला शासक था। हम ये कह सकते हैं अकबर एक ऐसा शासक था जो वीरता का हमेशा सम्मान करता था, चाहे वह हिंदू हो चाहे आप मुस्लिम हो। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय।